आप इतनी बड़ी तादाद में इतिकाफ में बैठे हैं, अल्लाह का घर है, पाकीज़ा माहौल है, तज़किया और तस्फिया के दिन बीत रहे हैं, शब बेदारियाँ हैं, दुआएँ हैं। इमाम अबू नुऐम ने 5 बातें लिखी हैं जो हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला उन्होंने खुद फरमाया। हज़रत अली फरमाने लगे मेरी 5 बातें याद कर लो, और फरमाने लगे ऊँटों पर बैठकर तलाश करने निकलोगे तो ये बातें तुम्हें मिलेंगी कहीं भी नहीं, ले लो हमसे, हासिल कर लो, ये फैज़ है। फरमाया ढूंढने निकलोगे ना ढूंढने तो तुम्हें ये मिलेंगी, ढूंढने से नहीं चीज़ें मिलेंगी। फरमाने लगे 5 बातें ले लो, ले लो यार हज़रत शेर खुदा की 5 बातें, आज इसको सबक के तौर पर रट्टा लगा लो, इसे याद कर लो, दिल में बिठा लो। शेर खुदा की 5 बातें, इल्म हिकमत का नचोड़, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लिया हुआ फैज़, वो हुजूर की उम्मत को बांटते हैं, अपने से मोहब्बत करने वालों को अता करते हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे 5 बातें ले लो, तुम ऊँटों पर बैठ के निकलोगे तो थक जाओगे, लेकिन ये बातें तुम्हें कहीं न मिलेंगी। हज़रत अली बातें बयान करते हैं, फरमाते हैं पहली बात ये याद रखना, बंदे को उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखनी चाहिए। जीत जाओगे दोस्तों दुनिया में अगर ये बात आ गई, बच जाओगे, दिल ठंडा रहेगा, बेकरारियाँ बेचैनियाँ परेशानियाँ जान छोड़ जाएंगी। उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखो। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी बात बयान करते हैं, फरमाते हैं अपने गुनाहों से डरा करो। तुम गरीब होने से डरते हो, तुम तंगदस्ती से डरते हो, तुम लोगों की दुश्मनी से डरते हो, अपने गुनाहों से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नाफरमानियाँ रब की नाराज़गी का सबब बन जाएं। अपने गुनाहों से डरो। और तीसरा मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर तुम जाहिल हो ना, तुम्हें पता नहीं, तो इल्म के बारे में सवाल करने से कभी ना शर्माना, पूछ लेना फ़ायदा होगा, किसी से बात कर लेना फ़ायदा होगा, किसी से सीख लेना नफ़ा हो जाएगा, किसी को मान लेना अपना उस्ताद, ज़िंदगी भर समझदार हो जाओगे, फैज़ याब हो जाओगे। और हज़रत अली शेर खुदा चौथी बात इरशाद फरमाते हैं ये उलमा के लिए, फरमाया अगर आलिम को किसी मसले का इल्म ना हो तो गलत बात ना बताए, बल्कि कह दे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। ये बात याद रखें, जिस बात का पता ना हो, जिसकी खबर ना हो, जिस पर उबूर ना हो, उस बात को आगे बयान ना किया जाए, और कभी भी गलत बात ना बताई जाए। ये हज़रत अली शेर खुदा हमें सबक देते हैं। और पांचवी बात, हज़रत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं याद रखना, ईमान में सब्र की वही हैसियत है जो जिस्म में सर की हैसियत है। अपनी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजारना, ज़िंदगी में कभी बेसब्रे ना होना, हौसला ना छोड़ जाना। सब्र बुजदली नहीं होता, सब्र तो अच्छी तदबीर को कहते हैं, सब्र तो रब करीम के फ़ैसले के इंतज़ार को कहते हैं, सब्र तो अल्लाह की मदद के नाजिल होने के इंतज़ार को कहते हैं। फरमाया जो तुम्हारे जिस्म में सर का मकाम है वही ईमान में सब्र का मकाम है। ये मौला अली शेर खुदा ने हमें 5 बातें दी।